एक बार फिर से मान की होगी शादी, तो शो करेगा शादी में तमाशा। स्टार प्लस का शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि आद्या को अपनी गलती का एहसास होता है। आद्या सबके सामने माफी मांगती है, आद्या की आंखों में आंसू होता है। आद्या अनुजा और अनुपमा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक बार फिर से शादी कर लें और मान बन जाए। आद्य कहती है कि आपने अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ी, क्या आप दोनों अपनी बेटी से नहीं लड़ सकते थे। आद्य अपनी गलती को सुधारना चाहती है, अनुज और अनुपमा की धूमधाम से शादी करवाना चाहती है। साथ ही आद्य अनुज और अनुपमा का राधा कृष्ण लॉकेट लेकर आती है और कहती है कि ये लॉकेट एक दूसरे को पहना दीजिए और आज आप दोनों एंगेजमेंट कर लीजिए। अनुज इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुशी अनुपमा के भी चेहरे पर है, लेकिन अनुपमा कहीं ना कहीं घबरा रही है। अब यहाँ पर एक बार फिर से अनुज सबके सामने अनुपमा से अपने प्यार का इजहार करता है और आद्या के सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं भगवान के सामने ये कसम खाता हूँ कि अगर इस बार हम दोनों मिलेंगे तो हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। एटलीस्ट तुम्हें मेरी साइड से कोई भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। वेल, इन सब में सब खुश है, लेकिन तोशो के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। यानी कि अगर शादी होगी तो वो शादी में कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने वाला है। साथ ही अपकमिंग एपिसोड में ग्रैंड मान वेडिंग देखने को मिलने वाला है। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी